हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मुझे हमेशा ज़्यादा कमेंट आते हैं क्योंकि अपने वीडियोस ज़्यादा है ना। ज़्यादा वीडियोस होने की वजह से व्यूज ज़्यादा होते हैं और कमेंट भी ज़्यादा आते हैं। तो हर सब्सक्राइबर का कमेंट का रिप्लाई देना मेरा फर्ज होता है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर है, उनको संतुष्ट करना मेरा फर्ज है। तो ऐसे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा है, सर जी मैं जब बाइक चलाने जाता हूँ तब सभी लोग मुझे चिल्लाते हैं, हंसते हैं क्योंकि मुझे ठीक से बाइक चलाने नहीं आते है। मेरे दोस्त हो गए या दूसरे लोग हैं, मुझे चिल्लाते हैं, है ना, ऐसे उन्होंने कमेंट किया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हाथी चलता है कुत्ते भोंकते हैं, हमें ध्यान नहीं देना। फिर से मैं बात कहना चाहता हूँ, हाथी चलता है कुत्ते भोंकते हैं, हमें ध्यान नहीं देना। हमें जो करना है वही हमें करना है। अगर हम लोग सक्सेस कभी करेंगे, अगर हम हमारा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, है ना, नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं जाना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन इसके लिए बाइक चलाने के लिए हमें क्या स्किल होनी चाहिए, ब्रेकिंग सिस्टम की स्किल होनी चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए, उसी प्रकार क्या हिसाब से हमें क्लच ऑपरेट करना है, गियर कैसे ऑपरेट करना है, थ्रोटल यानी रेस कैसे देना है, इसके बारे में मास्टर बनना चाहिए। अगर मास्टर बनने के लिए तुरंत नहीं बाइक आएगी, ये बात है। जैसे कि एग्जांपल, हम लोग साइकिल चलाने वाला कोई भी देखती है तो हम लोग सोचते हैं हैंडल पकड़ा है, पेडल मार रहा है, साइकिल चला रहा है, लेकिन आसान बात नहीं। बाइक से ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है साइकिल चलाना, है ना, ये चीज होता है। तो जब हम लोग साइकिल चलाने की कोशिश करते थे शुरुआत में, ऐसे कोई भी नहीं कि साइकिल पे बैठ गया और चला दिया साइकिल, ये बात नहीं, उसको गिरना ही पड़ता है। वैसे ही बाइक का सिस्टम है, ऐसे कोई भी बाइकर नहीं है कि जो गिरा नहीं है, शुरुआत में उसको गिरना ही पड़ेगा। ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि मैं गिरा नहीं, कि मैं ऐसे ही चलाया वगैरह, ऐसा कोई नहीं। जब तक हम लोगों का बैलेंस नहीं जमता है तो हम लोग गिर सकते हैं, ये बात होता है। तो मैं कहने का मतलब यही है कि जब तक आपको बाइक ठीक से चलाने नहीं आते तब तक कोई कोई लोग थोड़ा आपको चिल्लाते होंगे, तो आपको डरने का नहीं है, या ज्यादा करके उनको बता देने का कि उनसे ज्यादा मैं बाइक कैसे अच्छा चलाऊंगा, ये दिमाग में रखना है और वो काम करके देना है, अच्छा बाइक चलाने की कोशिश करना है। बाद में वो लोग रोएंगे, रोएंगे का मतलब जलेंगे, ये मतलब है। जो आप लोगों को आज चिढ़ाते हैं वो कल मन में मन जलते हुए रोएंगे। तो आपको वही बात ध्यान को रखना है, अपना काम करते रहना है, कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग से रखना है, अपना काम करना है, दुनिया छोड़ देनी है ना। तो इस सब से अगर राय मैं देना चाहता हूँ आपको, अगर ठीक से बाइक नहीं तो प्रैक्टिस करें। अपने ज्यादा से ज्यादा वीडियोस है, आप देख सकते हैं, अलग प्रकार का वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। पर्सनली मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता हूँ, या कभी कभी थियोरी यानी ऐसे बोल के भी आपको नॉलेज देता हूँ, आप उसका स्वीकार कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा बाइकर बन सकते हैं, अच्छा राइडर बन सकते हैं। जो हंसने वाले लोग हैं वो दिल में जलेंगे और रोएंगे। तो ऐसे प्रकार की बात होती है, आपको कभी भी डरना नहीं है, आप अपना काम करिए। हाथी चलता है कुत्ते भोंकते हैं, इसको याद में रखना है। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करें। और एक बात, ऐसी छोटी बात है लेकिन बड़े काम की बात, मैं आप लोगों के लिए हमेशा कहते आता रहता हूँ, वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। ऐसी छोटी बात और बड़े काम की बात अगर आपके दिमाग में आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देते रहूंगा, ये तो मेरा फर्ज है। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।